असलम डियर लर्नर्स पोटेंशल ऑनटरपेन्योर्स एंड ऑनटरपन्योर्स इन एक्शन बात हो रही है ऑनटरपेनोरशिप एंड ग्लोबलाइजेशन की ग्लोबलाइजेशन जिससे आप बच नहीं सकते बिकॉज हम अब उस दुनिया में रहते हैं जहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी फास्ट हो गई है फास्टें बहुत ज़्यादा सिमट गए हैं और हम चाहें या ना चाहें हम दूसरे मुल्क में होने वाले तमाम हालात तो व वाक़ात और वहाँ की जो चेंजेस हैं उससे इफेक्ट हो रहे हैं चाहे हम आम इंसान हैं चाहे हम अपना बिजनेस कर रहे हैं सो ग्लोबलाइजेशन इज़ बेसिकली बेसिकलीफेक्टिंग आज सो हमने बात की कि ग्लोबलाइजेशन बेसिकली है क्या नंबर टू हमने बात की कि ग्लोबलाइजेशन को किन ड्राइवर्स ने यानी किन वजूहत की बिना पर ग्लोबलाइजेशन बहुत तेज़ हुई है पिछले चंद एक अरसे के अंदर और उसके अलावा हमने बात की कि ग्लोबलाइजेशन सबसे अहम ग्लोबलाइजेशन में आपने आ, इसको अगर तो पॉजिटिवली देखना है तो क्या अपॉर्चुनिटीज हैं अगर नेगेटिवली देखना है तो आपके पास आ, इसे नेगेटिवली देखना नहीं चाहिए बिंग एन ऑनटरपन्यर को ग्लोबलाइजेशन इज एन अपर्चुनिटी आपके लिए नए हर खुल जाते हैं हम इसको नाम देते हैं चैलेंजेस के इफ़ यू आर ऑपरेटिंग इन अ लोकल मार्केट यू आर नॉट सेलिंग योर थिंग्स इन द इंटरनेशनल मार्केट स्टिल यू आर गेटिंग द कॉम्पिटिशन बिकॉज आप चाहें या ना चाहें लेकिन बाहर से आने वाली चीज़ें मार्केट के अंदर आपकी प्रोडक्ट के साथ शैल्स में पड़ी हुई हैं सो so, अब ये कस्टमर ने डिसाइड करना है कि उसने आपकी लोकल लोकली प्रोड्यूस प्रोडक्ट उठानी है के आपके साथ वाली जो इंटरनेशनली जिसे कहते हैं प्रोड्यूस प्रोडक्ट है वो उठानी है इफ़ यू रिमेंबर रिसेंटली गवर्नमेंट बहुत ज्यादा कर रही है टू बाय मेड इन पाकिस्तान ताकि हम पाकिस्तान इंडस्ट्री को ज्यादा प्रमोट कर सकें ग्लोबलाइजेशन अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट इज एन अपरचुनिटी इंस्पायर ऑफ ऑल दी इश्यूज एंड द चैलेंजेस और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप बीइंग एन ऑन्टरप्र्योर इंटरनेशनल मार्केट्स में जाना जा जाना चाहते हैं इफ़ यू वांट टू गो ग्लोबल तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस क्या मौजूद हैं या स्ट्रैटीज क्या मौजूद हैं और यही इस वीडियो का टॉपिक है uh, अगर देखा जाए तो uh, बहुत से तरीक़े हैं जिनमें जो बड़े अहम तरीके हैं वो हम आपके लिए लेकर आए हैं एंड दे आर सिक्स एक्सपोर्टिंग इम्पोर्टिंग foreign licensing, international franchising, international strategic alliance, cross-border acquisition. These are the strategies that you can adopt as an entrepreneur for going global. सबसे पहले हम बात करते हैं exporting की. सबसे आसान तरीका है. If you want to go global, अपनी product उठाइए और जाके international market में बेच दीजिए जिसको हम export कहते हैं. Export क्या है? Selling products produced in the home country. टू द कस्टमर्स एंड द कंज्यूमर्स इन दी अदर कंट्री और आप एक्सपोर्ट करने में मल्टीपल ऑप्शनस अडॉप कर सकते हैं आपने देखा होगा बहुत सी ऐसी चीज़ें हमारी जिन पर हमारा नाम लिखा है ब्रांड लिखा है मेड इन पाकिस्तान लिखा है और वो चीज़ें हम बाहर बेच रहे हैं जिसमें हमारी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री सर फहरस्त है एक्सपोर्टिंग के अंदर हमारी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट सर फहरिस्त हैं एक्सपोर्टिंग के अंदर उसके अलावा हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने बहुत एक बूम देखा है एक्सपोर्टिंग के अंदर सो यू कैन एक्सपोर्ट एनी थिंग यू वॉन्ट टू अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस में जाना चाहते हैं ठीक है लेकिन अगैन वही बात आ जाती है सिर्फ एक्सपोर्टिंग नहीं यू कैन बिकम द इम्पोर्टर एज वेल इम्पोर्टिंग क्या है सलिंग गुड्स प्रोड्यूस्ड इन दी अदर कंट्री टू द बायर्स इन योर ओन कंट्री इन योर होम कंट्री आप कोई भी चीज़ इम्पोर्ट कर सकते हैं मिसाल के तौर पर आजकल ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा इन हो गया है कि कंपनीज जो हैं उन्होंने अपने ऑनलाइन स्टोर्स ओपन किए हुए हैं दे आर बाइंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम चाइना फ्रॉम मलेशिया, फ्रॉम थाईलैंड और वो ला के उस एक प्रोडक्ट को अपने उन ऑनलाइन स्टोर्स के ऊपर अवेलेबल कर रहे हैं एंड वी बीइंग अ कस्टमर जाके ऑनलाइन हम बाय कर रहे हैं सो दिस इज वॉट यू आर इम्पोर्टिंग समथिंग फ्रॉम एन अदर कंट्री एंड यू आर सेलिंग द सेम प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स इन द इन इन पाकिस्तान अच्छा ये आप बी टू बी में भी जा सकते हैं यानी कि आप बिज़नेस टू बिज़नेस में भी जा सकते हैं आप कोई ऐसा केमिकल कोई ऐसी प्रोडक्ट कोई ऐसी मशीन इंपोर्ट कर रहे हैं कोई ऐसा यूनिट कोई ऐसा स्पेयर uh, पार्ट जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं जो कि आप किसी दूसरी इंडस्ट्री को बेच सकते हैं सो so, आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं आप इंपोर्टर भी बन सकते हैं दोनों सूरतों में आप इंटरनेशनल मार्केट में डील कर रहे हैं फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है दैट इज़ फॉरन लाइसेंसिंग फ़ॉर uh, लाइसेंसिंग बड़ा एक क्रिटिकल मैटर है लीगल मैटर ज़्यादा है इसमें लीगल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है दोनों एंड से uh, और लाइसेंसिंग क्या है बेसिकली अलाउंग द कंपनी इन अदर कंट्री टू परचेज द राइट टू मैन्युफैक्चर एंड सेल कंपनीज प्रोडक्ट इन द इंटरनेशनल मार्केट यानी आप मिसाल के तौर पे ये एक सर्टन प्रोडक्ट है जो सिर्फ और सिर्फ मलेशिया में बनती है और आपने उसी मलेशियन कंपनी से कुछ राइट्स खरीदे हैं कि आप सेम यही चीज़ उसी कंपनी के नाम से लेकर या सेम यही चीज़ पाकिस्तान में प्रोड्यूस करके उस कंपनी के नाम से पाकिस्तान में बेच सकते हैं आपने देखा होगा बहुत सी ऐसी पाकिस्तान के अंदर बिजनेस हैं जिन्होंने लिखा होता है कि वी आर द ऑफिशियल सप्लायर्स वी आर द ऑफिशियल मैन्युफैक्चरर्स सो बेसिकली दिस इज लाइसेंसिंग उन्होंने लाइसेंस बाय किया होता है अगर आप लाइसेंस बाय करना चाहते हैं तो लाइसेंसी क्या है द कंपनी बाइंग लाइसेंस राइट्स अगर आप पाकिस्तान में हैं और किसी बाहर के मुल्क के लाइसेंस बाय करना चाहते हैं तो आप लाइसेंसी होंगे और जिस कंपनी के आप लाइसेंस बाय करेंगे वो लाइसेंसर होगा टेक्निकल है और पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री जो है बिजनेस टू बिजनेस मार्केट्स जो है उसमें लाइसेंसिंग बहुत ज़्यादा देखने में आती है उसके बाद आ जाती है इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग ये है कि आप किसी भी इंटरनेशनल फ्रेंचाइज़ जो है उसको परचेज़ कर लेते हैं और उसकी एक फ्रेंचाइज़ पाकिस्तान में ओपन कर लेते हैं सेलिंग अ स्टैंडर्ड पैकेट ऑफ प्रोडक्ट सिस्टम एंड मैनेजमेंट सर्विसज टू द कंपनी इन टू एन कंट्री पाकिस्तान में जिस तरह फास्ट फूड के अंदर बहुत से आपने नाम देखे होंगे वो इंटरनेशनल जिसे कहते हैं फ्रेंचाइज हैं और वो पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रही हैं सो so आप पाकिस्तानी हैं और आपने किसी कॉफ़ी का या किसी फास्ट फूड का ये किसी भी और सेक्टर uh, के अंदर किसी भी कंपनी जो है उसकी फ्रेंचाइज बाय कर ली और पाकिस्तान में आके उसको ओपन कर ली है पाकिस्तान में पार्ट फास्ट फूड इंडस्ट्री में ये ज्यादा देखने में आ रहा है ठीक है सो यू आर बेसिकली डीलिंग इन द इंटरनेशनल मार्केट फिर आपके पास एक और क्या तरीका है फॉर गोइंग ग्लोबल एंड दैट इज इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अलाइंसेज अच्छा गोइंग To the global market directly is quite risky. So basically बाज़ात यह होता है कि being an entrepreneur आपको insider ढूंढ रहे होते हैं So these international strategic alliances are basically finding the insiders. बहुत सी ऐसी business stories हमने पढ़ी जिसमें हुआ ये कि उन्होंने अपनी मशीन बनाई और मशीन बना के उन्होंने मार्केट में जाके सेल करना शुरू की और फिर वहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने उस मशीन को देख के उसकी रिसवर्स इंजीनियरिंग करके उसी मशीन को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया सो so बेसिकली वो एक लोकल मशीन भी आ गई और फिर आपकी भी आ गई तो लोग ज़्यादातर लोकल मशीन्स को बाय करना शुरू उन्होंने कर दिया ठीक है बिकॉज के सप्लायर नज़दीक है और कोई इश्यूज नहीं होंगे सो so बहुत सी कंपनीज़ ने डायरेक्ट एक्सेस टू द मार्केट विड्रॉ किया उन्होंने अपने स्ट्रेटेजिक अलाइंस किया किसी लोकल कंपनी के साथ और फिर उसके थ्रू मार्केट को जो है वो अप्रोच किया सो दिस कॉल्ड इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अलायसेस क्या है अ कॉम्बिनेशन ऑफ एफर्ट्स और एसेट्स ऑफ कंपनीज इन डिफरेंट कंट्रीज फॉर द सेक ऑफ पूलिंग रिसोर्स एंड शेयरिंग द रिस्क ऑफ एन एंटरप्राइज आप दोनों मिलकर अपने रिसोर्सिस को पूल करते हैं और आप पाकिस्तान में अगर बैठे हैं और आपने चाइना के साथ कोई एक स्ट्रेटेजिक अलायंस किया है किसी भी कंपनी के साथ तो जब आप उनकी मार्केट को एक्सेस कर रहे होंगे तो वो आपके लिए इनसाइडर का रोल प्ले करेंगे और अगर वो आपकी मार्केट को एक्सेस कर रहे होंगे तो आप उनके लिए इनसाइडर का रोल प्ले करेंगे उसके बाद आ जाता है क्रॉस बॉर्डर एक्विजिशन आप बाहर के मुल्क में गए आपने एक चलती हुई दुकान खरीद ली एक चलता हुआ कारोबार खरीद लिया एक चलती हुई कंपनी खरीद ली ये थोड़ी लार्ज स्केल की बातें हैं द बाय अ बिजनेस इन वन कंट्री ऑफ द कंपनी लोकेटेड इन अनदर कंट्री क्रॉस बॉर्डर एक्विजेशन में कैपिटल ज्यादा इन्वॉल्व होता है सो so, इसीलिए ये लार्ज फार्म बेसिकली बात इस तरह से करती है आपने बहुत लार्ज कारपोरेशन को देखा होगा कि उन्होंने पाकिस्तान में आते ही बहुत बड़े बड़े कुछ लोकल ब्रांड्स आके परचेज कर लिए लोगों को बाद में पता चला कि ये पाकिस्तान का लोकल मार्केट का बहुत बड़ा ब्रांड किसी बाहर की कंपनी ने परचेस कर लिया हुआ है आपने टेट्रा आ, मिल्क के हवाले से अगर अगर आपको याद हो तो आ, बहुत सी ऐसी आपको मिलेंगी एग्जाम्पल्स जिसमें आपने देखा होगा कि बहुत चलता हुआ ब्रांड और पता चला कि किसी इंटरनेशनल कंपनी ने उस ब्रांड को बाय कर दिया हुआ है दिस इज क्रॉस बॉर्डर एक्विजिशन इसमें भी एंट्री बेसिकली आसान हो जाती है आपने कौन सा रास्ता इख्तियार करना है फॉर गोइंग ग्लोबल इट आप इट इज आप पे डिपेंड करता है हर रास्ता खुला है हर रास्ते की कुछ अपने प्रॉज एंड कॉन्स हैं कुछ अपनी टेक्निकलिटीज हैं बट अगेन दीज आर दो अपॉर्चुनिटीज किसकी वजह से मिल रही है ग्लोबलाइजेशन की वजह से मिल रही है सो so, ग्लोबलाइजेशन को जिसे कहते हैं एक नेगेटिव लेंस की नज़र से देखने की बजाय इसको एक पॉजिटिव सेंस में देखिए तो आपको बहुत सी ऑपरचुनिटीज़ नज़र आना शुरू हो जाएंगी सी ओम द नेक्स्ट वीडियो